सो आ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू माई डियर स्टूडेंट्स आई होप एवरी वेल इन योर लाइफ प्यारे साथियों सभी का वार्मेलकम है अन अकेडमिकेश प्लेटफॉर्म पे अपना छोटा सा प्यार सा इंट्रोडक्शन आप सभी को देना चाहूंगी सो आई एम योर एजुकेटेड जो से तिवारी मैम जो आपको यूजीसी नेट पेपर वन पढ़ाती है इसी के साथ साथ पेपर टू मेरा हिस्ट्री है एंड दिस इज माई टाइमिंग यू कैन सी यहाँ इस टाइमिंग पे मैं डेली क्लासेस लेती हूँ परफेक्ट स्टडी पार्टनर एंड अकेडमी आपके लिए जहां पे आइकॉनिक और प्लस बैचेस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी मॉक सीरीज चल रही है उसको जरूर ज्वाइन करें एंड आज हम डिस्कस करेंगे ये बिहेवियर जो कि बीएफ के द्वारा दिया गया है अगर हम छोटा सा मतलब एकदम छोटू सा एकदम एक्सप्लेन करें इस डेफिनेशन को तो बी एफ स्केनर ने एक आप कह लो एक बिहेवियरिज्म पर एक थ्योरी दी थी कौन सी थ्योरी मैम ऑपरिंट बिहेवियर उसका नाम कहलाया इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट करके हम किसी के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं क्या करते हैं कंट्रोल करते हैं आपको कहोगे मैम ऐसा संभव है क्या कंट्रोल करना संभव है बिल्कुल संभव है एक छोटे से एग्जांपल से हम समझेंगे तो बचपन में बचपन में क्या होता था जब भी हम कोई अच्छा काम करते थे तो हमको रिवॉर्ड मिलता था मतलब उसके लिए हमें आप कह लो एप्रिसिएशन मिलता था वो एप्रिसिएशन शब्दों से भी हो सकता है और गिफ्ट से भी हो सकता है ठीक है बाय वर्ड्स या फिर कोई गिफ्ट ठीक है इन दो रूपों में या और भी रूप हो सकते हैं इन दो रूपों में आपको वो एप्रिसिएशन देखने को मिलता था वहीं आप कोई गलत बिहेवियर करते थे तो आपको पनिशमेंट मिलता था ठीक है अभी हम इसको ब्रॉड में अगर डिस्कस करें एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम लें तो मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल आज हम लेके इस चीज को समझते हैं ठीक है क्योंकि काफी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है सो so, मान लो कि एक इंसान है आकाश ठीक है एक हम लोग हाइपोथेटिकल नाम ले रहे हैं आकाश तो आकाश क्या हुआ कि आकाश अभी अपने नाइन्थ क्लास में है क्लास में है तो आकाश ने क्या किया कि बहुत ही अच्छा मान लो एग्जाम में परफॉर्म किया एग्जाम में इतना अच्छा परफॉर्म दिया है तो इनको इन्होंने क्या किया एक मोबाइल फोन गिफ्ट के रूप में दे दिया क्या दे दिया मैम मोबाइल फोन गिफ्ट के रूप में दे दिया तो ये क्या है एक तरह से पॉजिटिव री है पॉजिटिव री आप कहोगे पॉजिटिव री बिल्कुल बेटा इससे क्या होगा आकाश के मन में क्या जाएगा कि अगर मैं कोई काम अच्छा करूंगा तो मुझको एप्रिसिएशन मिलेगा चाहे वो शब्दों के रूप में है चाहे वो तोहफों के रूप में है तो इससे क्या होगा कि आकाश बार बार एक अच्छे काम को करेगा बार बार एक अच्छे काम को करेगा ताकि उसको एप्रिसिएशन मिल सके एक पॉजिटिव री है तो अब क्या हुआ नाइन्थ क्लास में आकाश को मिल गया मोबाइल और आकाश एक साल पूरे मोबाइल में लगे रहे ठीक है कभी रील्स देख रहे हैं कभी शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं और इन्होंने कर दिया अपने समय को बर्बाद टाइम को कर दिया बर्बाद क्या कर दिया मैम टाइम को कर दिया बर्बाद अब इनके बोर्ड टेंथ में पास आउट तो हुए टेंथ में इनके अब मार्क्स कैसे आ गए ये हो गए फेल क्यों फेल हो गए क्योंकि इन्होंने अपने टाइम को अच्छे से उपयोग नहीं किया और ये हो गए फेल अब इनके पेरेंट्स जो इनको फोन दिलाया था अब इनके पेरेंट्स को सबकॉन्शियसली क्या लगा कि आकाश हो गए हैं फेल अब हमें इनको पनिशमेंट देना होगा अदरवाइज ये इम्प्रूव नहीं करेंगे तो आकाश से उनका मोबाइल छीन लिया जाता है क्या किया जाता है छीन लिया जाता है ठीक है छीन लिया जाता है तो आकाश के माइंड में सबकॉन्शियसली क्या जाएगा कि जब भी मैं कोई गलत बिहेवियर करूंगा जिस बिहेवियर की उम्मीद नहीं की जाती है गलत बिहेवियर करूंगा तो मेरे साथ जो आप कह सकते हो मेरे साथ आप कह लो मेरे साथ भी गलत होगा इन द सेंस उसकी नेगेटिव री किया जा रहा है कि अगर आप कोई गलत बिहेवियर करते हो है, तो उसका प्रभाव भी क्या होगा गलत होगा मतलब आकाश के बिहेवियर रिपीट ना हो उसके बिहेवियर आगे भविष्य में वैसा दोहराव ना आए उसमें इसी वजह से उससे फोन ले लिया गया उसकी सबसे प्यारी चीज उसे छीन ली गई अब इससे क्या होगा आकाश दुगना मेहनत करेंगे ताकि वो फोन को दोबारा प्राप्त कर सके ऐसे ही एक अगर ऑर्गेनाइजेशन का मैं आपको एग्जांपल समझाऊं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी सेम फंडा चलता है अगर कोई एम्प्लॉय जो है अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो उसको क्या मिलता है इंसेंटिव मिलता है ताकि उस इन, आ, इंसेंटिव मिलता है इंसेंटिव क्या काम करता है पॉजिटिव री का, का काम करता है मतलब कि इंसेंटिव जब भी उस एम्प्लॉय को मिलेगा मतलब बोनस मिलेगा सोचो उसकी सैलरी कितनी है फोर्टी थाउजेंड है मगर वो जब इनवॉइस चेक करता है उसकी सैलरी फोर्टी फाइव या फिफ्टी थाउजेंड बोनस बढ़ के आता है उसको मन में क्या जाएगा कि अगर मैं ऐसे ही अच्छा काम करूँगा तो मुझे हमेशा प्रमोशन मिलेगा इंसेंटिव मिलेगा तो वो अपने बिहेवियर को रिपीट करता रहता है ये क्या है एक तरह से पॉजिटिव री ही तो है कि जो बॉस है मैनेजर है उसके मन में सब ये डाल रहे हैं कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको हमेशा ये बोनस मिलेगा इंसेंटिव मिलेगा आपके साथ अच्छा होगा आपके बिहेवियर को रिपीट मोड पे करवाने के लिए आपको पॉजिटिव री दिया जा रहा है वहीं उसके एम्प्लॉय जब बेकार काम करेंगे मतलब कि टास्क पूरा नहीं करेंगे थोड़ा सा डाउन परफॉर्मेंस करेंगे तो उनपे नेगेटिव री अलाउ होगा उनकी सैलरी डिडक्ट की जाएगी थर्टी फाइव के मान लो उनके पास आएगा तो सबकॉन्शियसली एम्प्लॉय के बिहेवियर को जो कॉन्सिक्वेंसेस है ठीक है जो नेगेटिव परफॉर्मेंस कर रहा है उसको रोकने के लिए नेगेटिव री यूज की जाती है क्या यूज की जाती है मैम नेगेटिव री आपके बिहेवियर को रोकने के लिए कि आप उसको दोहराओ मत इसलिए नेगेटिव री की जाती है क्लियर है क्लियर है ओके आई होप आपको ये थ्योरी अच्छे से क्लियर हो गई हो बहुत ही प्यारी ये थ्योरी है और ये सोचो हमारे माँ बाप भले इंटेलिजेंट हो ना हो लेकिन ये थ्योरी सभी के घर में अप्लाई होती है आप कुछ अच्छा काम करते हो तो आपको मिठाइया खिलाई जाती है है ना आप पे हार चढ़ाए जाते हैं कि हमारा बेटा पास हुआ है वही नेगेटिव काम करते हो तो आप जो जो भी आपकी सबसे प्यारी चीज होती है हो, उसको थोड़े टाइम के लिए छीन ली जाती है अब ये थोड़ा टाइम भी हो सकता है लॉन्गर टाइम भी हो सकता है क्यों कि आप उस बिहेवियर को रिपीट मत करो आप जो नेगेटिव काम किए उसको रिपीट मत करो आपके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए इसमें क्या होता है इसमें रिपीट ना करो काम और पॉजिटिव में रिपीट करो अपना काम इस यही थ्योरी काम करती है क्लियर है क्लियर है हाँ सो ये हमेशा हमेशा ये थ्योरी सभी के घर में अपनाई जाती है किसके द्वारा ये थ्योरी दी गई थी हमेशा याद रखना बीएफ बी स्किनर के द्वारा किसके द्वारा मैम यहाँ पे आ, बी एफ लगा देना बी एफ स्कीनर के द्वारा ऑपरेंट बिहेवियर थ्योरी दी जा दी गई थी इसमें पॉजिटिव री मतलब अच्छा काम करोगे तो आपको कुछ अच्छा मिलेगा जिससे आपके जो बिहेवियर्स है वो वही रिपीट मोड पे कंटिन्यूअस आप करते रहो नेगेटिव काम करोगे तो नेगेटिव री आपके साथ अप्लाई होगा ताकि उस बिहेवियर को आप ना रिपीट करो ठीक है सो ये हमेशा आप हमेशा याद रखना इसको प्रीवियसली एक और नाम से जाना जाता था इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग के नाम से किस नाम से मैम इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग के नाम से प्रीवियसली जाना जाता था क्लियर है क्लियर है कभी मत भूलिएगा रिवॉर्ड्स दिया जाता है जब पॉजिटिव काम करोगे ताकि बिहेवियर को इंक्रीज किया जा सके पनिशमेंट दिया जाता है जब कोई गलत काम करोगे ताकि बिहेवियर जो आप गलत काम कर रहे हो उसको कम किया जा सके ऑब्वियसली आई होप आपको ये थ्योरी अच्छे से क्लियर हो गई हो सो so, स्टूडेंट्स आईकॉनिक और प्लस बैचर्स अनकेडमी ऑफर करती है आपको जहाँ पे स्पेशल क्लास भी चलता है पेड क्लासेस भी चलती है, यानी फ्री क्लासेस भी है एप्लीकेशन पे और साथ में पेड क्लासेस भी है फ्री क्लासेस तो होप लो कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए है मगर आप अगर अफोर्ड कर सको तो आपके लिए बहुत बेहतरीन टीचर्स पेड क्लासेस पर हैं एंड यू कैन सी एक महीना तीन महीना और बहुत सारे मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको प्रोवाइड करता है जेटी नेट कोड यूज करके जब भी सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको मिलेगा ढेर सारा डिस्काउंट मैक्सिमम डिस्काउंट पेपर वन पेपर टू सभी टीचर्स को आप देख सकोगे ऑल सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग आई होप जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया वो आपको क्लियर हो गया हो बहुत ही इंपॉर्टेंट वो कॉन्सेप्ट था चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड पी डी एफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है प्लीज लाइक एंड शेयर दिस सेशन एंड गुड बाय जय हिंद जय भारत